हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का गार्निश किचन में फिर से स्वागत है। आज मैं गार्निश किचन में आपके लिए लेके आई हूँ कश्मीर की फेमस डिश मेथी चमन की रेसिपी। मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी कि बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट के अंदर मेथी चमन कैसे बनाई जाती है, वो भी उनके सीक्रेट टिप्स के साथ। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल गार्निश किचन पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम एक पैन के अंदर एक ग्लास पानी डालेंगे और उसको अच्छे से उबाल लेंगे। अब हम 50 ग्राम काजू लेंगे और इसको उबलते हुए पानी के अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्च और एक प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में काट के इसके अंदर डाल देंगे। अब हमें प्याज और काजू को पानी के अंदर तब तक उबालना है जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज और काजू बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल का डाल के उसको अच्छे से गर्म करेंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद अब इसके अंदर हम 1 चुटकी हींग और 1 चुटकी सफेद नमक डालेंगे। अब हम 400 ग्राम पनीर के थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े करके इसके अंदर रखते चले जाएंगे और उसको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। पनीर के थोड़े से बड़े टुकड़े करने से ये ग्रेवी के अंदर जाने के बाद जल्दी से घुलेंगे नहीं। दोस्तों, मेथी चमन की सब्जी में मेथी डली होती है, इसीलिए वो हेल्दी तो होती ही है, साथ में ये इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है कि आप नेक्स्ट टाइम मेथी की सब्जी से कोई और सब्जी बनाना ही नहीं चाहेंगे। सबसे पहले आप इसी सब्जी को बनाएंगे। पनीर के एक तरफ से अच्छे से सिक जाने के बाद अब हम पनीर के एक एक पीस को पलटते चले जाएंगे ताकि पनीर की दूसरी साइड भी बिल्कुल अच्छे से सिक जाए। दोस्तों, पनीर को तलते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमारे को गैस को ज्यादा तेज नहीं रखना है, नहीं तो पनीर की आउटर लेयर जल्दी से जल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं पनीर दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। अब इसको हम पैन में से निकाल लेंगे और इसको बिना देरी करे हुए हम इसको गर्म पानी के अंदर डाल देंगे जो कि हमने पहले से ही करके रखा था। इसके अंदर पानी डालने से क्या होगा कि हमारा पनीर बिल्कुल भी चिड्ढा नहीं होगा और वो बिल्कुल सॉफ्ट बना रहेगा। ये है हमारी पहली सीक्रेट टिप। अगर आप ऐसी सीक्रेट टिप्स और जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पे एक गड्डी मेथी को इसके मोटे मोटे डंठल निकाल के इसको बिल्कुल साफ करके अच्छे से रख लिया है। मेथी को बिल्कुल अच्छे से धोने के बाद अब इसको हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे, क्योंकि मेथी के अंदर बहुत ही ज्यादा मिट्टी होती है, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से धोना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमने जो प्याज और काजू उबाल कर रखे थे वो पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब इसको हम मिक्सी के जग में डाल के इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर रख लेंगे। दोस्तों, अब हमने वही पैन लिया है जिसके अंदर हमने पनीर डाल के रखा था। अब इसके अंदर हम 2 चुटकी हींग डालेंगे और 8 से 10 लहसुन के कलियों को बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल देंगे और इसको हल्का सा भूनेंगे। अब इसके अंदर हम 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल के इन सबको अच्छे से भूनेंगे। अदरक और लहसुन के अच्छे से भून जाने के बाद अब हमने जो मेथी बारीक काट के रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से इसके अंदर भूनेंगे। मेथी तेल के अंदर अच्छे से भून जाने से इसका कड़वापन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, फिर हमारी ग्रेवी के अंदर इसका कड़वापन भी नहीं आएगा और इसका सिर्फ स्वाद ही आएगा। दोस्तों, हमें मेथी को तेल के अंदर भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेथी मुरझा के कम हो चुकी है और अब ये सिर्फ तेल के अंदर भून रही है। मेथी को हम तेल के अंदर जितना अच्छे से भूनेंगे उतनी जल्दी हमारी मेथी का कड़वापन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मेथी बिल्कुल अच्छे से भून चुकी है। अब इसके अंदर हम 1/3 चम्मच हल्दी, 1/3 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च और 1/3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इन सभी मसालों को अच्छे से मिलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे ताकि हमारे सारे मसाले मेथी के साथ बिल्कुल अच्छे से भुन जाए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेथी बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, अब इसके अंदर हमने जो प्याज और काजू का पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे और मेथी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, पैन में काजू और प्याज का पेस्ट डालने के बाद हमारे को इसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है और इसको लगातार चलाते रहना है और इसको 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही पकाना है ताकि हमारी ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से पक जाए। दोस्तों, मेरे चैनल का टारगेट 1 लाख सब्सक्राइबर अचीव करना है और वो सिर्फ आप ही की मदद से हो सकता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, जिस जग के अंदर हमने प्याज और काजू का पेस्ट बनाया था उसके अंदर थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ था, उसी के अंदर हमने 1/2 ग्लास दूध डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया, वो इसके अंदर डाल दिया। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से पकाएंगे। दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही शाही सब्जी है, आप अपने घर के किसी भी फंक्शन या पार्टी के मेन कोर्स के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। आपके सभी गेस्ट इसको खा के बहुत ही खुश होंगे, ये गारंटीड है। दोस्तों, दूध डालने के बाद भी हमें ग्रेवी को पकाते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम 1/3 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी पकने से थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, इसीलिए अब इसके अंदर हम 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और इस सबको अच्छे से मिलाते हुए 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी सी पतली भी हो जाएगी और थोड़ी सी क्रीमी भी हो जाएगी।
दोस्तों क्योंकि हमारे सारे मसाले पहले से ही बिल्कुल अच्छे से पक चुके थे, इसीलिए हमारे को मसालों को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक उबाल आने के बाद हमारी ग्रेवी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने जो पनीर भिगो के रखा था गर्म पानी के अंदर, वो इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रेवी के अंदर बॉयल आने लगा है और इसके ऊपर घी की लेयर भी आने लगी है। इसका मतलब हमारी ग्रेवी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। पनीर डालने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि हमारे पनीर के अंदर ग्रेवी का स्वाद बिल्कुल अच्छे से चला जाए। दोस्तों पनीर डालने के बाद हमारे को ग्रेवी को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी ग्रेवी पूरी तरीके से तैयार है। अब इसके अंदर हम 1/4 कप फ्रेंच क्रीम डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि इस सब्जी की ग्रेवी में क्रीम डलती है, काजू डलती है, इसीलिए तो इसको मेथी चमन कहते हैं। इसके बिना तो ये सब्जी बिल्कुल अधूरी है। ये देखिए दोस्तों, सब्जी पकने के बाद कितनी बढ़िया लग रही है। इसके अंदर गोल्डन पनीर का पीस और भी ज्यादा इसकी रंगत को बढ़ा रहा है। आप इस सब्जी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी सब्जी कैसी बनी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई टेस्टी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।